गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं सुनील, मैं स्पेशली अगर बात करूं तो वीडियो क्रिएट करता हूं प्रॉपर्टी से रिलेटेड। कि काफी सारे लोगों के पास पैसा नहीं होता, या यूं कहें कि यार काफी सारे, क्या उनमें हम भी आते हैं, काफी सारे क्या 90% लोगों के पास पैसा नहीं होता कि वो इकट्ठा पेमेंट करके प्लॉट खरीद सके या मकान खरीद सके। उनको कहीं ना कहीं बैंक की हेल्प लेनी ही पड़ती है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना ये चैनल क्रिएट करा, और इस चैनल पे मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूँ कि लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दूं कि भाई आप यहाँ पे प्रॉपर्टी मत खरीदो, यहाँ पे आपको फ्यूचर में लॉस है, यहाँ पे खरीदो, फ्यूचर में आपके लिए ब्राइट है, यानी सब कुछ अच्छा होगा अगर आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदी। तो गाइज, मैं उसी से रिलेटेड वीडियो क्रिएट करता हूं। अगर आप भी दिल्ली एनसीआर, बरसाना, गोवर्धन, जेवर एयरपोर्ट के आसपास में कहीं भी प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हैं, वो भी किस्तों पे, तो एक बार इन नंबर पे कॉल कर लेना, सटीक इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, विजिट भी आपको फ्री रहेगी। पहली चीज दिल्ली एनसीआर वालों के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरी की। काफी सारे लोग ना मेरे पास कमेंट करते हैं और कॉल करके स्पेशली मेरे को पूछते हैं। मैंने अभी एक वीडियो में बोला था कि भाई मेरे पास ना आप पूरी इंफॉर्मेशन दिया करो, जब भी आप व्हाट्सएप करते हो तो अपना क्या आपकी क्वेरी है, आपका नाम क्या है और कहां से है और कहां की प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, लेकिन लोग अब मेरे को डायरेक्ट कॉल ही कर देते हैं। चलो कोई नहीं, आपका ही नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। आज की डेट में जो भी लोग प्लान कर रहे हैं प्रॉपर्टी लेने का, उनके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वो अपना जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास प्रॉपर्टी के अंदर 100 गज का प्लॉट या 50 गज का प्लॉट हमेशा खरीद लो। बेनिफिट्स उसके काफी सारे आपको फ्यूचर में मिलने वाले हैं। नंबर एक, अभी एयरपोर्ट बनके तैयार नहीं है, 2024 में फर्स्ट फ्लाइट वहां से लैंड करेगी, सॉरी टेक ऑफ भी करेगी या लैंड, जैसा मर्जी समझ सकते हैं। तो आप समझ लेना उस समय उसका माहौल क्या होगा। आज से अगर काफी टाइम पहले की बात करूं, ज्यादा नहीं 3-4 साल पहले, 3 साल भी बहुत ज्यादा, 2 साल पहले भी, जो लोग जेवर एयरपोर्ट का, जिन्होंने सिर्फ नाम सुना था कि जेवर एयरपोर्ट बनेगा, तब वहां पे देखना और आज जाके देखना कितना वहां पे डेवलपमेंट हो चुका है। मैक्सिमम दिल्ली एनसीआर के अलावा ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग, जो भी इंडियंस हैं और आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, वो भी वहां पे प्लॉट खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको वहां का फ्यूचर पता है। छोटा सा एग्जांपल दूंगा, दिल्ली एनसीआर में अगर आपने देखा होगा तो दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, किसी समय में वो जब बना था वहां भी जंगल था, लेकिन आज वहां पे प्लॉट तो दूर है, मकान खरीदना मुमकिन नहीं, नामुमकिन हो रहा है। क्यों हो रहा है? सारे के सारे बड़े रेस्टोरेंट आसपास मिलेंगे, सारा कुछ आपको ऑनलाइन वहां पे मिलेगा, थोक में सब कुछ अवेलेबल हो जाता है, कनेक्टिविटी सबसे बेस्ट है, आप कहीं भी चले जाओ मेट्रो आपको कनेक्ट हो जाएगी, वही सेम आने वाले टाइम में हार्डली पांच साल के अंदर आपको जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास आप जमीन खरीद भी नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसी जमीनें थी जो 5,000-6,000-2,000 रुपए पर गज थी यार, लेकिन आज के डेट में ना उन्हीं के रेट 20,000 रुपए हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो फार्मर्स थे जिनके वहां पे जमीन मुआवजे में गई, या जिन लोगों ने बिल्डर्स को बेची, उनको पता था, उन्होंने तो अपने नॉर्मल रेट पे पड़ती, लेकिन बिल्डर्स ने जो खरीदी उन्होंने पहले खरीदी, उसका बेनिफिट उन्हें आज मिल रहा है, जो कि आपको 15,000-20,000 रुपए पर गज में वहां पे जमीनें मिल रही है, और रेरा अप्रूव मिल जाती है ना तो वो 40-40-50-50,000 रुपए पर गज मिल रही है। तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास अगर आप प्लान कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं प्रॉपर्टी के अंदर, तो नंबर पर कॉल करके फटाफट अपना प्लॉट बुक करा सकते हैं। साइड है कृष्णा इंक्लेव पार्ट 2, फर्स्ट सेल सोल्ड हो चुकी है पूरी की पूरी, टोटल 143 के अंदर साइड आपकी अप्रूव्ड है, सारी फैसिलिटी एक मिलेंगी आपको जो एक प्रॉपर सोसाइटी में चाहिए होती है, रोड, बिजली, पानी, मंदिर, पार्क, गेटेड सोसाइटी, बाउंड्री वॉल चारों तरफ की जैसा बोलते हैं नॉर्मली, सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी सर्विस, मार्केट, नियर बाय पेट्रोल पंप, और आपका टप्पल घाट पे कट पर। अगर मैं बात करूंगा इस साइड के अंदर की जो इन्वेस्टमेंट पर्पस से है, जो लोग जेवर में प्लान करने का प्लान कर रहे हैं, देखो फिल्म सिटी वहां पर आ जाएगी, नोएडा आपका पास में पड़ जाएगा, अडानी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट वहां पे आ रहे हैं, पतंजलि का प्रोजेक्ट वहां पे है, फार्मूला 1 रेस आपकी वहां पर है, और भी काफी सारी ऐसी फैसिलिटी है। इवन बात करूं आईटी कंपनी, टोए कंपनी, सब कुछ वहीं जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कनेक्टिविटी के मामले में सबसे बेस्ट यही एयरपोर्ट रहने वाला है। जब 2024 में फर्स्ट फ्लाइट यहां से टेक ऑफ करेगी ना, तब आप खरीद भी नहीं पाओगे।
तो जो लोग अगर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि यार खरीद लें चलो, तो यहाँ पर आप खरीद सकते हैं क्योंकि बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास यहाँ पर है, नंबर एक। आने वाले टाइम में आप खरीद भी नहीं पाओगे, आज आप खरीद लोगे अपने बच्चों के लिए सिक्योर कर लोगे, फ्यूचर आपका बेस्ट रहेगा, बच्चे कल को गाली नहीं देने वाले आपके, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। दूसरा, अगर आप प्लान आसपास में कहीं पे कर रहे हैं तो गोवर्धन वृंदावन के आसपास में प्लॉट खरीद सकते हैं, काफी सारी सोसाइटीज मेरे पास हैं, तो आप कॉल करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। विजिट फ्री रहेगी दिल्ली एनसीआर वालों के लिए। और काफी अच्छी वीडियो चाहते हैं, अपने सुझाव देना चाहते हैं, पर्टिकुलर आप एक जगह से रिलेटेड आप वीडियो मांगना चाहते हैं कि भाई इस सोसाइटी के हमें वीडियो ला दो या इस एरिया के आसपास की ला दो, तो कॉल कर लेना, डिस्क्रिप्शन में नंबर पड़ेगा। सॉरी, आज के वीडियो में इतना ही था। ध्यान रखें आप अपना, अपनी फैमिली का। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, अगर आप किस्तों पर प्लॉट लेना चाहते हैं, तो नंबर पर कॉल करो।